जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की आएगी शामत। सलमान खान फायरिंग केस में ये बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है सीबीआई। नमस्कार, मैं शिवानी सांची बात में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर की गई गोलीबारी मामले में एक नया खुलासा हुआ है। फायरिंग कराने की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर जो गोलीबारी की गई उसमें लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ये सारी जो फायरिंग की जिम्मेदारी थी वो अपने सर ले ली। मुंबई क्राइम ब्रांच सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई पर मकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगा सकती है। क्राइम ब्रांच को जांच के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। इसमें सामने आया है कि अनमोल बिश्नोई ने पूरी साजिश अपने भाई और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर रची थी। लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले भी कई बार सलमान खान को धमकी दे चुका है। उसने हाल ही में एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में भी सलमान खान को धमकी दी थी। दरअसल सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ली थी। दोनों ने 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में 58 वर्षीय सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की और फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर मौके से भाग गए। दोनों को 16 अप्रैल को मुंबई और कच्छ पुलिस की संयुक्त टीम ने गुजरात के भुज शहर के पास स्थित एक मंदिर परिसर में पकड़ा था। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।